गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी को पता है हम प्लस टू का सिलेबस प्रदीप की बुक से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने इस बुक से हमने फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से हमने जैसे बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए, ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए, कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये सारे आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल फील्ड क्या होता है, ये सारे आर्टिकल हमने, मतलब कि जो बेसिक आइडिया है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, डेरिवेशन। सर देखो बेटा, इसमें मतलब कि 6 डेरिवेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इन जो 6 डेरिवेशन है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में से 5 मार्क्स की एक डेरिवेशन पक्का आती है, ठीक है। इसलिए सभी बच्चों ने जो मैं डेरिवेशन कराऊंगी साथ के साथ रफ नोटबुक पे घर पे 2-3 बार सोल्व करके देखना है। ऐसे नहीं मैम ने काम करवा दिया, वीडियो आपने देख ली, बस उसको वहीं पे छोड़ दिया, ऐसे बेटा किसी को समझ में नहीं आता। अगर मुझे भी कोई टीचर समझाएगा ऐसे वीडियो पे, मुझे भी समझ में नहीं आएगा जब तक मैं खुद उसको अपने हैंड से सोल्व करके नहीं देखती, ठीक है। इसमें हमने एक्सेल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर लिया था। एक्सेल लाइन का मतलब होता है अलोंग द एक्सिस। इक्वेटोरियल लाइन पे स्टडी कर लिया था, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है डाइपोल के परपेंडिकुलर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए स्टडी कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। इस आर्टिकल को आज हमने स्टडी करना है। देखो बेटा, जो आपकी बुक है उसमें 1.49 पेज नंबर पे जो आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपने ओपन करके बुक से भी स्टडी करना है और जो मैं करवाऊंगी वहीं से भी स्टडी करना है। चलो बेटा, आज हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्जिंग। जो भी मैं आपको डेरिवेशन करवाती हूँ उसको मीनिंग, जो हेडिंग है उसको पहले आप ध्यान से पढ़ो। हमारा क्या कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट पे ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब हम क्या लेके चलेंगे, चार्ज रिंग। जैसे लास्ट आर्टिकल में हम लेके चले थे ना डाइपोल को, पहले 3 डेरिवेशन में हम डाइपोल को लेके चले थे, आज हम किसको लेके चलेंगे, चार्ज रिंग, ठीक है बच्चे। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम को बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गई तो सारी डेरिवेशन आपके लिए सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम डायग्राम को स्टडी करते हैं। देखो बच्चे, हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, उस पर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, ठीक है, और इस चार्ज के क्या कारण क्या प्रोड्यूस होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पी पे प्रोड्यूस होती है वो हमारा आर्टिकल है, ठीक है। अब हम रिंग को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। जो रिंग है उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और जो रिंग का सेंटर क्या है, ओ, ठीक है, और रिंग का रेडियस क्या है, ए। हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए बी हम रिंग का एक स्मॉल आर्क कंसीडर करेंगे, ठीक है। उस स्मॉल आर्क का सेंटर हमने सी ज्यूम कर लिया, ठीक है। मान लो पूरी रिंग पे जो चार्ज था वो क्यू था, और जो स्मॉल आर्क पे चार्ज है वो है डी क्यू, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इस स्मॉल चार्ज के कारण, डी क्यू के कारण जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो आप, ये क्या हो गया, ट्रायंगल का बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपो। हाइपो को फाइंड करने का क्या मेथड होता है, हम ट्रायंगल ले लेंगे सी ओ पी, ठीक है,
इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर इज इक्वल टू हाइपो का स्केयर, इसलिए हाइपो क्या आ जाएगा हमारा आर स्केयर प्लस ए का स्केयर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, रिंग पे हमने कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, पॉजिटिव किया है ना। अब रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है, दूर जाती है। ठीक है, अब देखो जो स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई थी उसको हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। डी क्यू क्या है, जो स्मॉल आर्क के ऊपर चार्ज था और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। अब डायग्राम को देखो ध्यान पे, जो सोर्स चार्ज है ठीक है वो कहाँ पे रखा हुआ है हमने, डी क्यू पे, डी क्यू पे रखा हुआ है ना, और जो टेस्ट चार्ज है वो हमने कहाँ पे रखा हुआ है पी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन सी पी का स्केयर। इसकी डायरेक्शन आएगी लॉन्ग पी सी, क्यों, क्योंकि मैं बार बार आपको ये बात बता रही हूँ बेटा, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो जो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं, इसलिए इसकी डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया लॉन्ग पी सी। ठीक है, अब हमने सी पी स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, वो मैंने पहले ही आपको बता दी थी, वो क्या आई थी आर स्केयर प्लस ए स्केयर। अब देखो ध्यान से दोबारा डायग्राम को, आप जो मतलब कि कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है अगर किसी भी एंगल पे लाई करती है उसके टू कंपोनेंट होते हैं, एक तो थीटा वाला आ गया एक परपेंडिकुलर आ गया। जो थीटा वाला होता है उसको हम कोस से रिप्रेजेंट, और जो मतलब कि परपेंडिकुलर होता है उसको हम साइन से रिप्रेजेंट, साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए डी ई के भी टू कंपोनेंट होंगे, डी ई कोस थीटा एंड डी ई साइन थीटा। अब एक बात और देखो ध्यान से, जो हमने स्मॉल आर्क था वो रिंग के हमने अपवर्ड लिया था ना, ऐसे ही आर्क अगर कोई भी हम मान लो सी डी लेते हैं डाउनवर्ड, तो उसकी जो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होएगी उसकी डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड ही होएगी ना, वो भी किसी सर्टेन एंगल पे लाई करेगी, उसके भी टू कंपोनेंट होंगे डी ई कोस थीटा एंड डी ई साइन थीटा। अब देखो वैक्टरों को ऐड करने का क्या मेथड होता है, मतलब इसकी डायरेक्शन को भी हम कंसिडर करते हैं, जो डी ई साइन थीटा के सारे कंपोनेंट होंगे वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि देखो ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड होएगा, इसलिए अगर कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है उसको हम क्या कर देते हैं कैंसल, इसलिए डी ई साइन थीटा वाले सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे कैंसल, और डी ई कोस थीटा वाले सभी को हम क्या कर देंगे ऐड। अब देखो इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, समेशन डी ई कोस थीटा, हमने यहाँ पे डी ई की वैल्यू पुट कर दी 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट डी क्यू आर स्केयर प्लस ए स्केयर। अब हम क्या करेंगे कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, कोस थीटा क्या आएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपो, बेस के हमारे पास आर और हाइपो क्या है स्केयर रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर। अब हमने यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखो समेशन में से हमने ये सारी टर्म को बाहर निकाल लेंगे, सिर्फ समेशन के अंदर रह जाएगा डीएल। ठीक है, अब देखो बेटा स्मॉल आर्क था उसकी लेंथ तो डीएल थी, पूरी रिंग का सर्कुफ्रेंस क्या होएगा 2 pi a, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको कैंसिल करके 2 pi a। अब हमारा 2 pi a के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ जाएगा। अगर देखो जो मतलब कि पॉइंट पी है बिल्कुल सेंटर पे लाई करता है तो आर क्या पुट करेंगे हम 0, अगर आर इस फॉर्मूले में हमने जी 0 पुट कर दिया तो ही क्या आ जाएगा हमारा 0। अगर हम पुट करेंगे आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए तो हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गया, क्यू कोण 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। ठीक है, हमारी फोर्थ डेरिवेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से रफ नोटबुक पे सॉल्व करके देखना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है। मैं बार बार बेटा कह रही हूँ आपको, इन डेरिवेशन में से पक्का पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में 5 marks की डेरिवेशन आती है, चाहे मुझे मेरे से लिखवा लो आप। ठीक है, इसलिए आपने सभी ने रफ नोटबुक पे एक बार नहीं 2-3 बार सॉल्व करके ज़रूर देखना है। थैंक यू।